हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं राहुल और स्वागत है आपका मेरे चैनल रियल एडवाइजर पे, जहां पे आपको एक से एक कंपनियों के बारे में, जॉब के बारे में बताई जाती है। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आईटीसी कंपनी के बारे में। आईटीसी कंपनी क्या है, क्या इसके ब्रांड हैं, क्या इसके विंग्स हैं, कैसे इसमें जॉब करते हैं, कौन इसका मालिक है, टर्नओवर कैसा है, इंटरनल इन्वायरमेंट कैसा है, काम करने के बाद कहीं मतलब जॉब लेने के बाद कहीं कोई इशू तो नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम तो होगा। तो मैं आपको बताता हूँ, चलते हैं इसके बारे में आपको डिटेल बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा कि आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आप अभी तक मेरे चैनल को ये सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता रहूं, आपसे कोई नोटिफिकेशन नहीं छूटे। तो क्या है आईटीसी, आईटीसी का कितने विंग्स होते हैं? तो आईटीसी के विंग्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूं कि आईटीसी का जो विंग्स है वो इसमें आते हैं एफएमसीजी। आपको इसमें एफएमसीजी भी आते हैं। एफएमसीजी डेट मीन्स क्या होता है, आप जान लें कि इसके विंग्स पहले हो गए एफएमसीजी। एफएमसीजी फास्ट मूवमेंट करके जो आती है सारी चीज़ें, आपको फास्ट जो डेली नीड की हो गई, जैसे आटा हो गया, चावल हो गया, क्लेज हो गया, कुरकुरे हो गया, टॉफी, ये सारा। सेकंड, आईटीसी का टॉप होटल्स भी हैं आपको इंडिया में, पेपर बोर्ड भी आते हैं इसके आईटीसी के। तो आपको मैं बताता हूँ कि इसके कितने विंग्स हैं, कितनी कंपनियाँ हैं। पैकिंग मटेरियल आते हैं आईटीसी के, ध्यान दीजिएगा सब कुछ। और एग्री बिजनेस, एग्री मीन्स जो फसल से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से, उसमें भी आते हैं। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी से रिलेटेड भी ये काम करती है आईटीसी। तो इसके इतने सारे बिंग्स हैं, तो आप इसमें भी जॉब ले सकते हैं। आप यदि एफएमसीजी में जाना चाहते हो तो एफएमसीजी में जा सकते हैं, आप यदि होटल में जाना चाहते हैं तो होटल में जा सकते हैं, पेपर वोर्ड का जो वर्क होता है तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं, पैकिंग का भी काम होता है, एग्रीकल्चर का भी काम होता है और आईटी का भी काम होता है। तो इस तरह के विंग्स हैं इनके, इतने सारे विंग्स में आप जॉब ले सकते हैं। तो अब बताता हूँ कि इसके हेड ऑफिस कहाँ पे है। तो हेड ऑफिस की बात करते हैं तो आईटीसी का जो हेड ऑफिस है वो है कोलकाता में, आईटीसी का कोलकाता में। जैसे मैं आपको बता रहा था कि आईटीसी का टोबैको का हो गया, आईटीसी टोबैको कंपनी हो गया, आईटीसी ऑनर ये जो है, डेट ऑफ इस्टेब्लिश 24 अगस्त 1910, इस्टेब्लिशमेंट प्लेस है कोलकाता, हेडक्वार्टर है कोलकाता। रेवेन्यू बात करते हैं तो अभी ये करंट डेटा नहीं है, ये रेवेन्यू में आपको काफ़ी टर्नओवर बहुत ज़्यादा है, मैं इसे दिखाता हूँ रेवेन्यू कितना है। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू है इसका US में $10 मिलियन, यानी 77,367 करोड़। ये इतना ज़्यादा रेवेन्यू है इस कंपनी का। तो कैसे जॉब करते हैं इसके बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ये जॉब का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कैसे एचआर को मेल करते हैं सारा चीज़ आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जैसे आपका एसोसिएट पोस्ट प्रिंट का है, गुजरात का निकला हुआ है, ये सारे चीज़ भी गुजरात का लोकेशन का दिखा रहा है। आप अपने सिटी का यहाँ पे क्या करना होगा कि आपको अपने सिटी का यहाँ पे डाल करके आपको अप्लाई सर्च करना होगा। अदरवाइज यदि आप चाहते हैं डायरेक्ट एचआर को अपना रिज्यूम देना, तो वो भी प्रोसेस मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो प्रोसेस बहुत ही, आपको यहाँ पे एक लिंक होगा, आप देख सकते हैं, रजिस्टर करना होगा, जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यहाँ पर आपको क्या करना है कि रजिस्टर करना है, यहाँ पे अपना सारा डायरेक्ट भी आप रिज्यूम को अपलोड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि नेम, मेल आईडी, पासवर्ड, करेंट पासवर्ड, ये सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको डालने होंगे। आपको जिस किसी भी चीज़ में जाना होगा, यहाँ से रिज्यूम आपको अपलोड करना होगा, अगेन है, तो आपको जिस किसी भी क्षेत्र में जाना है, जिसके आपके अनुभव हो, एक्सपीरियंस हो, आप वहाँ पर मेंशन कर दें तो आपको एचआर का मतलब आपको नोटिस आ जाएगा, मेल आ जाएगा, और या कोई भी आपके लिए में वैकेंसी होगी तो आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो से, तब तक के लिए धन्यवाद।